किया है। कैसे हेलो हेलो कहते हैं पूरे इंटरव्यू में, इन्होंने अपनी तारीफें की है कि मैं समझदार हूँ, मैं मोटिवेशनल हूँ, सब कुछ असंख्य बनाने का। मैं पढ़ाई करने के मामले में नहीं। हेलो 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 ऑडियो चस्ट का प्रेजेंस केड़ी 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 बाज केड़ी बाज। माखन की कटोरी, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद, कृष्ण का प्यार, लो आ गया कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नंदिनी गेड़ीबाज के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। वैसे मेरी शायरी सुनकर आपको पता तो लग गया होगा कि आज का एपिसोड हमारा किस पर है। जी हाँ, हम आए जलंधर के गेड़ीबाजों से जानने जिस तरह कृष्ण बचपन में शरारती करते थे, क्या उन्होंने भी कभी ऐसी शरारतें की हैं, और अगर की हैं तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिली। साथ में खेलेंगे एक टंग ट्विस्टर गेम, जीतने वाले को मिलेगा ऑडियो चस्का की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट। वैसे गिफ्ट से याद आया, हमारे गेड़ीबाज के पिछले एपिसोड इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पर यूट्यूब पर सही कमेंट कर राखी गुप्ता जीत चुकी हैं एक प्यारा सा तोहफा। करना आपको ये है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है और पूछे गए सवाल का सही जवाब देना है, वो भी यूट्यूब पर, और आप भी जीत सकते हैं ऑडियो चस्का की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ढूंढते हैं आज के समय के कृष्ण कन्हैया। नहीं, मैंने कभी शरारत नहीं की, मैं बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी और हूँ भी। खाओ माँ कसम। शरारती तो बहुत की, जब मुझे मम्मा कहते थे कि मैंने मतलब ये नहीं लेके देना, तो मैं वहाँ पे लेट के रोने लगती थी कि नहीं मुझे चाहिए 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 ही चाहिए। शरारते मस्ती बड़े हो गए हो तो कभी कुछ तो किया होगा छोटी मोटी कभी। नहीं, मैं बहुत ही समझदार थी शुरू से ही। ऐसे स्कूल में कोई होमवर्क वगैरह मिलना और हमने बहाने लगा देने कि किया है, लेकिन कॉपी घर पे रह गई और किया होता नहीं है। और कभी शरारत की है, मार पड़ी आपको? मुझे 5 बजे पड़ी है मम्मा से बाहर। मैंने वो बाथरूम में बंद कर देती थी। झाड़ू से, चप्पल से, बेलन से, थप्पड़ से पड़ी है मुझे बाद में। थप्पड़ से डर लगता है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। बात अगर जन्माष्टमी की है तो हम माखन चोर और मटकी फोड़ने को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए अपनी ऑडियंस से जानते हैं कि क्या उन्हें माखन चोर और मटकी फोड़ने पर कोई गाना याद आ रहा है। तो चलिए। माखन चोर नंद किशोर, और मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। एक बधेरे आंदे सी, एक मिनट रुको, करो फिर गाना। अपने बना सकते हैं? आपको आप बनाना आता है अपनी तरफ से? हाँ जी, बना दीजिए। माखन चोर 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 कुछ भी। माखन चोर नंद किशोर, चांदी की डाल पर सोने का मोर, तक झक कर मेरे नीचे का चोर। मैंने मटकी फोड़ी एक दिन, मेरी मम्मी ने मुझे पिंकी पिंकी पंकी मुझे पकड़ा और मुझे मम्मी ने खेलने दिया और मम्मी ने मुझे लाड प्यार करके मटकी तोड़ा दी। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। ओ यार यार, ये कितनी ऑसम है यार। यशोदा मैया ने अपने नन्हा कान्हा को सुलाने के लिए बहुत से लोरियां और बेड टाइम स्टोरी सुनाई होगी, तो जानना भी ये है कि क्या इनकी भी यशोदा मैया ने इन्हें कोई बेड टाइम स्टोरी या लोरी सुनाई है जो इनको आज भी याद है। तो चलिए पूछते हैं और जानते हैं, आइए। मैं नहीं सोती थी तो मम्मा मुझे हमेशा डरा के सुलाते थे कि चोर आ गया, चूहा आ गया, सो जा बेड पे ना, से खट 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 करके, तो वो सुलाते थे, मैं फटाफट सो जाती थी। मेरी नानी सुनाती थी। कौन सी? मूंग की और रानी की। कोई आपको याद है कुछ? कुछ ऐसे ज्यादा कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, लड़का मतलब कि थोड़ा मोंकी था ना पिछले जन्म में, तो उनको मतलब कि अगले जन्म में वो रानी से मतलब कि शादी होगी ऐसी। तू क्या बोल रही है? मतलब चोरों से डरते थे आप? आर यू कॉमेडी मी? दादी माँ, मेरी दादी माँ, तेनू डाडा प्यार करा, मिस यू मम्मा। ला 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 लोरी, दूध में कटोरी, टोरी में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। मुन्नी कौन थी? मुन्नी तो हम ही थे।
हमारे गेड़ीबाज के हर एपिसोड में अक्सर आपने देखा होगा एक टंग ट्विस्टर सेगमेंट होता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस में उसका बहुत क्रेज है, इसलिए हम एक टंग ट्विस्टर गेम रखते हैं। गुड़ियां ब्राउन गुड़ियां काली, कोड़ी चट्टे गुड़ियां ब्राउन गुड़ियां काली, कोड़ी चट्टे गुड़ियां ब्राउन गुड़ियां काली। जीतने वाले को ऑडियो चस्का की तरफ से मिलता है एक तोहफा। किशन की किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी, किशन की किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी, किशन की खतरनाक खतरों की कहानी, शरारतें, शैतान की शर्तें, शैतान की शर्त, पता नहीं कुछ ऐसा था। कृष्ण की किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी, ये खतरनाक खतरनाकों की शैतानी, नटखट नृत्य में कारी से किलकारी तक की किलकारी तक, किशन की किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी, किशन की किलकारी से किलकारी, किलकारी की किलकारी तक से किलकारी, गलत हो, किशन की खतरनाक शर्तें। शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है, अच्छों अच्छों को ये हिला देता है। नटखट नटवर ने नटखट नृत्य में नन्ने नन्ने नटखट खेल किए, किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी, कृष्ण की किलकारी से किलकारी तक की किलकारी, कृष्ण की किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी, कृष्ण की किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी। नहीं आ रहा ना बोलने, कंट्रोल। नटखट नटकर ने नटखट नटखट, कृष्ण की किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी, कृष्ण की किलकारी, किलकारी से किलकारी तक की किलकारी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। इन्होंने तो टंग ट्विस्टर सही बोलकर जीत लिया है गिफ्ट। देखना भी है कि YouTube पर सही जवाब देकर कौन गिफ्ट जीतता है। क्वेश्चन ये है कि बचपन में जिस नाग को मारकर श्री कृष्ण ने उसके फन पे खड़े होकर नृत्य किया था, उस नाग का नाम क्या था? सही जवाब देने वाले को मिलेगा ऑडियो चस्का की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो जल्दी जाइए और YouTube पर जाकर कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए ऑडियो चस्का प्रेजेंट्स गेड़ीबाज। और हाँ, ऑडियो चस्का को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।